नमस्कार, आप देख रहे हैं मनस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मथुरा में 9 वर्षीय बालिका के साथ दो नाबालिग लड़कों ने किया दुष्कर्म। मथुरा जिले के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में परिजनों की अनुपस्थिति में वही के दो नाबालिग लड़कों ने द्वारा कथित तौर पर 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया है और मौके पर से फरार होने के पहले पीड़िता को उन्होंने धमकी भी दी है कि उसकी यह जानकारी बताएंगे तो वह वीडियो वायरल कर देंगे। हाईवे थाना प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल ने बताया कि पीड़िता ने परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकता दर्ज करवाई है और तथा उसे चिकित्सका जाँच के लिए भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया है कि परिजनों के अनुसार शनिवार शाम जब वे किसी काम के लिए गए थे तो उनकी 9 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। वहीं पड़ोसी में रहने वाले नाबालिग लड़के घर में घुसकर उससे छेड़खानी करने लगे। शिकायत के मुताबिक लड़की ने विरोध किया तो उसके साथ दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने बताया है कि आरोपियों ने बेटी के साथ दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया है और धमकी दे रहे थे कि वो उसे सार्वजनिक कर देंगे। थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस के आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। रिलीज होने के पहले ही विदेश में करोड़ों कमा रही है पठान। फिल्म पठान को लेकर जमकर लोगों के बीच बज बना हुआ है। इसकी एडवांस बुकिंग भले ही अभी भारत में न शुरू हुई हो, लेकिन अन्य देशों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। US, UAE, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में धड़ल्ले से एडवांस बुकिंग चल रही है और ऐसे में लग रहा है कि पठान इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग बनकर उभरेगी। एडवांस बुकिंग के रिस्पांस को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE में अब तक पठान ने $65,000 यानी कि $52,83,575 का कलेक्शन किया है और 4,500 टिकट भी बिक चुकी है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग जमकर पठान की टिकटें बुक कर रहे हैं और अब तक अमेरिका में $3,50,000 यानी कि 2,84,49,925 के 22,500 टिकट भी बिक चुकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 42,55,905 के करीब 3,000 टिकटें बिकी है। वहीं जर्मनी में शाहरुख खान की फिल्म को लेकर खास क्रेज देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक वहां सिर्फ पहले दिन की 4,500 से ज़्यादा टिकटें बिकी है और उसके अलावा वीकेंड के लिए 9,000 टिकटें रिलीज के पहले ही लोगों ने खरीद ली है और सिर्फ जर्मनी में ही अब तक पठान ने 1,05,000 रुपये यानी करीब 1,32,21,290 रुपये का बिजनेस किया है। बता दें कि शाहरुख खान की यह फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी यह शानदार फिल्में और वेब सीरीज। मिशन मजनू। बॉलीवुड सुपरस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू भी इसी हफ्ते दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। साजुशी इस आधिकारिक इस फिल्मों में सिद्धार्थ के साथ साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी दिखाई देगी। मिशन मजनू को OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर 20 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। छतरीवाली एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो तेजस देओस्कर द्वारा निर्देशित और रानी स्क्रूवाल द्वारा निर्मित की गई है और इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, सुमित व्यास, सतीश कौशिक और डॉली भी नजर आने वाली है। रकुल प्रीत सिंह इस शनिवार केमिक्स फिल्म है जो बेरोजगारों है और वह रोजगार की तलाश कर रही है। यह फिल्म 20 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली। झांसी सीजन टू एक्शन ड्रामा वेब सीरीज है। इसका पहला सीजन पहले ही खूब धमाका मचा चुका है। झांसी के सीजन टू के सीजन वन के आगे कहानी को आगे दिखाया जाएगा और झांसी के सीजन टू में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अंजलि को अपने बचपन का कुछ याद नहीं आता है, लेकिन उससे पहले कई दुश्मन बना लिए हैं।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।